नमोऽरिहन्ताणं नमोऽसिद्धाणं नमोऽवायिर्याणं नमोऽवज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकच्छिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। 172 गाथा की अलिंग ग्रहण के 20 बोल में से 13 नंबर का बोल है और 13 नंबर के बोल में ये कहते हैं कि जड़ प्राण से आत्मा नहीं जीता, है ना। इसमें अपन ने कल द्रव्य संग्रह के आधार पे भी अपन ने थोड़ी चर्चा की थी। पेज नंबर निकाल लीजिए, 57 पेज। अज्ञानी का प्राण संबंधी भ्रम। अज्ञानी मानता है कि जब तक श्वास और आयु टिकती है तब तक जीव जीवित रहता है, मन वचन काया हो तो टिकता है, पांच इंद्रियां ठीक रहें तो जीव टिकता है, वाणी ठीक बोली जाती हो तब तक जीव कहलाता है, मन निर्बल हो गया हो तो जीव से काम कम कार्य होता है, परंतु यह सब भ्रम है। क्यों भ्रम है? क्योंकि यदि ये सब बातें मानी जाए जो अभी इसमें अभी जो बताई है तो सिद्ध भगवान तो जीव ही नहीं ठहरेंगे, अनंत भगवान जीव ही नहीं ठहरेंगे ऐसा। क्योंकि मन वचन काया तो सर्व जड़ पदार्थ है और आत्मा उनसे जीवित नहीं रहता है, ठीक है ना। अज्ञानी मानता है कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख पुत्र चार पाया, तीजा सुख कुलवंती नार, चौथा सुख अन्न भंडार, है ना। ये सब लौकिक बातें चलती है खूब। तो इस प्रकार अज्ञानी शरीर पुत्र स्त्री तथा अनाज में सुख मानता है। कहां में सुख मानता है? ये बाहर के पदार्थों में। यह महाभ्रम है। यहां तो पांच इंद्रियां आदि जड़ पदार्थों को निकाल दिया, उनसे जीव जीवित नहीं रहता, तो 10 प्राण से प्रत्यक्ष पृथक बाह्य पदार्थ स्त्री पुत्र अनाज आदि सुख के कारण कहां से हो सकते हैं? यहां तो भैया जो 10 प्राण जिसे व्यवहार से जिसे जीव का जीवत्व तो कहा जाता है, जब उसका भी निषेध कर दिया कि उससे भी आत्मा जीवित नहीं रहता, आत्मा में अपनी एक जीवत्व शक्ति है और अपनी जीवत्व शक्ति से चैतन्य प्राण को धारण करने रूप जीवत्व शक्ति आत्मा के अंदर त्रिकाल पाई जाती है, तो उससे आत्मा जीवित रहता है। जब 10 प्राण को भी बाहर कर दिया तो जो प्राणों से भी बाहर की चीज है कि उसकी बात तो सवाल ही नहीं कि वो सुख का कारण हो और दुख का जो भी ऐसा, कि वे सुख का कारण ही नहीं है। अज्ञानी पैसों को भी प्राण मानते हैं, 10 प्राण तो ये होते हैं और 11वां प्राण क्या मानते हैं अज्ञानी के? अज्ञानी 11वां प्राण मानते हैं कि पैसा है वो 11वां प्राण है। तो यहां पे कह रहे कि ये सब स्थूल भ्रम है, माने ये तो मोटा मोटा भ्रम है, आंख के अंधे को दिखाई दे, मोटा भ्रम का मतलब समझे, आंख के अंधे को दिखाई दे ऐसा भ्रम है ये। तो आंख के अंधे को दिखाई दे मतलब कि बहुत 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 मोटी भूल है। तो 10 प्राण तो अजीव तत्व है, अजीव तो जीव का गेय है। क्या है वो? कि जीव का गेय है वो। अतः जीव ऐसे 10 अजीव प्राणों से जीवित नहीं रहता। तो रहता कैसे जीवित 10 प्राणों से? इंद्रियों से नहीं, बल से नहीं, आयु से नहीं, स्वच्छ श्वास से नहीं है। देखो, आयु से आत्मा जीवित रहता है या आयु इस बात को बताती है कि ये आत्मा इस शरीर में कितने काल रहेगा,
एक बहुत अपने को थोड़ा शंका हो सकती है ना, कभी आयु से जीवित नहीं रहता तो फिर लिखा तो है शास्त्र में आयु से, आयु के उदय से जीव जीता है, आयु के नाश होने पर जीव का मरण हो जाता है। तो ये आयु कर्म इस बात को बताता है कि यह जीव इस शरीर में कितने टाइम रहेगा। जैसे अपन ने किसी ट्रेन का टिकट लिया, तो ट्रेन समझ लो जाती है बॉम्बे से दिल्ली, है ना, पर हमारा टिकट है बड़ोदरा से कोटा, ठीक। तो हमारा टिकट बड़ोदरा से कोटा है वो किस बात को बताता है कि हम इस ट्रेन में बैठेंगे इस टिकट से, तो बड़ोदरा से कोटा बैठेंगे, कोटा के बाद भी ट्रेन तो चलेगी लेकिन हम उतर जाएंगे, हम दूसरी बस में बैठेंगे, ठीक है ना। तो ये स्थिति है कि आयु कर्म जीव का अनादि अनंत जो परिभ्रमण का प्रवाह है उसमें जिस गति संबंधी आयु कर्म होता है उस गति में जीव, उस गति संबंधी शरीर में जीव रहता है। वो आयु कर्म पूरा हो गया तो उस गति संबंधी शरीर को छोड़ करके जीव दूसरी गति में चला जाता है, मतलब दूसरा टिकट ले लेता है वो, तो उसको मरण कैसे कह सकते हैं अपन। और ये तो अपनी शोक पत्रिकाओं में नहीं लिखा जाता मरण होता है, क्या लिखते हैं अपन, देह परिवर्तन हो गया है, अथवा लिखते हैं ज्यादा कोई अभी देह परिवर्तन समझ लो अपन लोगों की भाषा है, तो दूसरे लोग भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि उनका स्वर्गवास हो गया है, भले नरकवास हुआ हो तिर्यंचवास हुआ हो लेकिन लिखते स्वर्गवासी हैं, है ना, सातों व्यसनी हो भले ही वो जीव, सातों व्यसन का जीवन भर सेवन किया हो और वो भी मरे तो लिखा ही जाता है कि स्वर्गवास हो गया है। चलो स्वर्गवास हो गया, इसका मतलब क्या क्या हुआ कि अभी तक वो यहां वास करते थे, अब वो स्वर्ग में वास करने लगे, मतलब क्या हुआ कि उनका एड्रेस चेंज हो गया, एड्रेस चेंज हो गया ना वही, तो एड्रेस चेंज होने से आदमी मर गया, ये कहां से बात आई कि वो जीव मर गया, ये बात कहां से लाए, तो ये स्थिति है आ गया। तो आत्मा फिर रहता काय से जीवित है, तो कि भाई वो किसी भी गति में रहे, किसी भी शरीर के संयोग में रहे, लेकिन वो अपने चेतना प्राण से जीवित रहता है। शरीर का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता, लेकिन अगर चेतना प्राण का नाश हो जाए जो कभी संभव नहीं है तो आत्मा के नाश का प्रसंग आएगा, अगर चेतना प्राण का नाश हो जाए तो, और वो कभी होने वाला नहीं है, निगोद में रहे चाहे सिद्ध में रहे कहीं रहे जीव। देखो इस प्रकार आत्मा माता पिता के शुक्र और रज का अनुसरण करके होने वाला नहीं है और उनके द्वारा उत्पन्न नहीं होता। देखो एक ये प्रवचन सार है ना अपना, तो प्रवचन सार में चरणानियोग सूचक चूलिका में गाथा है 202 नंबर की गाथा है या 201, देखो जरा इसको भी देखो, एक मिनट दिखाता हूं, बहुत अच्छी गाथा, वहां इसी तरह बहुत अच्छा संबोधन किया उन्होंने, ये लिखा ना माता पिता से वो, तो उसका बहुत अच्छा संबोधन वहां पर किया उन्होंने, देखो बहुत अच्छा, एक मिनट देखते हैं। ये नहीं इसमें मिल जाएगा, नहीं तो इसी सुन लो कोई बात नहीं, 201 202 का था है। देखो ये 202 का था, यहां कहा कि अब श्रमण होने का इच्छुक पहले क्या क्या करता है उसका उपदेश करते हैं, तो वहां पर उन्होंने जो संबोधन दिया वो बहुत अच्छा है, वो देखना जरा। बंधु, ये लिखा है यहां पे कि जो श्रमण होना चाहता है वह पहले ही बंधु वर्ग से माने सगे संबंधियों से विदा मांगता है, गुरुजनों से यानी बड़ों से, स्त्री से और पुत्रों से अपने को छुड़ाता है, ज्ञानाचार दर्शनाचार चारित्राचार तपाचार और वीर्याचार अंगीकार करता है
और वह इस प्रकार है। क्या देखो किस प्रकार कहता है कि बंधु वर्ग से इस प्रकार विदा लेता है, अहो इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं। कितना बढ़िया संबोधन दिया है ना, इस पुरुष के मैंने इस आत्मा के शरीर में संबंध में तो शरीर है ना जी, उस शरीर की अपेक्षा है तो बंधु कहलाते, आत्मा की अपेक्षा कहां बंधु है, तो इस पुरुष के शरीर के बंधु वर्ग, आत्मा के तो बंधु तुम हो ही नहीं, शरीर के बंधु वर्ग हो तो मैं तुम्हारे शरीर को भी संबोधन नहीं कर रहा क्योंकि शरीर तो जड़ है, तो उस बंधु वर्ग में प्रवर्तमान आत्माओं इस पुरुष का आत्मा किंचित मात्र भी तुम्हारा नहीं है। आ गया, इस प्रकार हां इस प्रकार तुम निश्चय से जानो, इसलिए मैं तुमसे विदा लेता हूं, जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज अपने आत्मा रूपी अनादि बंधु के पास जा रहा है। तो आत्मा का बंधु कौन, अनादि से आत्मा ही आत्मा का बंधु है, जिस आत्मा ने आत्मा का साथ कभी छोड़ा नहीं है ना, ये बंधु वर्ग तो ये आंख बंद हुई ख्याल में आ गया है ना, और इतना इंतजार करेंगे कि भैया उसको बुलाया था वो आया कि नहीं आया, नहीं तो उठाओ मुर्दा, बस ये है स्थिति है ना। कितना भी सुंदर शरीर हो, जीवन भर कितना ही अपन ने पूरे परिवार रिश्तेदार नातेदार समाज सबके लिए कुछ भी किया हो, लेकिन आंख बंद हुई तो कितनी देर रखने वाले हैं ये लोग है ना, ये सोचो। अब देखो अब जो इन्होंने संबोधन दिया वो बहुत बढ़िया, देखो पिता और माता को कैसे संबोधन दिया है देखना जरा, अहो इस पुरुष के शरीर के जनक, अगर आप जनक भी हैं तो किसके जनक कहलाएंगे, शरीर के, आत्मा को तो आत्मा को जन्म आप दे ही नहीं सकते, कि शरीर के जनक यानी पिता के आत्मा, पिता के आत्मा को संबोधन कर रहा है, अहो इस पुरुष की शरीर की जननी, की जननी माने माता के आत्मा, इस पुरुष का आत्मा तुम्हारे द्वारा जनित यानी उत्पन्न नहीं है ऐसा तुम निश्चय से जानो। संबोधन बहुत गजब के हैं, इसलिए तुम इस आत्मा को छोड़ो, इस आत्मा को छोड़ो तो क्या पकड़ रखा है क्या उन्होंने, कि छोड़ो माने जो तुम ये मानते हो हमारा बेटा हमारा बेटा हमारा बेटा हमारा बेटा, इस मोह में जो पागल हो रहे हो कि इस मोह को छोड़ो, इसका नाम आत्मा को, इस आत्मा को छोड़ो, यह है कि जिसे ज्ञान ज्योति प्रकट हुई है, माने ज्ञान ज्योति माने वैराग्य का पावर बड़ा है, स्वरूप इस में अनुभूति की स्थिति बढ़ रही है, प्रकट हुई है ऐसा यह आत्मा आज आत्मा रूपी अपने अनादि जनक के पास जा रहा है। इस तरह आचार्य देव ने संबोधन किया है, ये तो अभी बहुत अच्छा विषय इसमें है, चर्चा आएगी तो इसकी करेंगे, बहुत गहराई है इसमें भी। अब देखो वापस जो अपना चल रहा था, इसलिए उसमें क्या कहा आचार्य भगवान ने, ये उनके द्वारा उत्पन्न नहीं होता, आत्मा दस प्राण वाला नहीं है, यह सब कथन नास्ति से किया, तो आत्मा कौन है, आत्मा दस प्राण वाला नहीं है, आत्मा माता पिता से उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मा ऐसा नहीं है, आत्मा वैसा, अरे है कैसा ये तो बताओ, नास्ति तो बहुत हुई, अभी आत्मा है कैसा, कौन है और कैसा है, दो बातें, आत्मा कौन है और कैसा है, तो कहा कि आत्मा सदा काल अपने चैतन्य प्राण से जीवित रहता है, एक समय के लिए भी चैतन्य प्राण का कभी नाश नहीं होता, और अपने परम बोध और आनंद का अनुसरण करके रहने वाला है, सत्ता अवबोध वगैरह आया था ना ऐसा, अनादि काल से तेरी दृष्टि दस प्राण पर है और तू मानता है कि जीव इनसे जीवित रहा है दस प्राणों से, तो कहते हैं कि तेरी इस दृष्टि को छोड़ दे और तू चैतन्य प्राण स्वरूप है ऐसी दृष्टि कर, चैतन्य प्राण स्वरूप था है और अनंत काल तक
ऐसा रहेगा। दस प्राण में तो ये तेरा स्वरूप ही नहीं, वो तो सब पौद्गलिक है। इस तेरहवें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है, अ माने नहीं, लिंग माने इंद्रिय मन ग्रहण, जीवत्व को धारण कर रखना, अर्थात आत्मा इंद्रिय और मन आदि लक्षण द्वारा जीवत्व को धारण नहीं करता है, ऐसा भाव समझकर। क्या भाव समझकर? इंद्रिय मन आदि के द्वारा जीवत्व को धारण नहीं करता, चैतन्य प्राण रूप अपने जीवत्व को धारण करता है, ऐसा भाव समझकर स्वगेय की यथार्थ श्रद्धा ज्ञान करना वो धर्म का कारण है। आ गया, ये 13 बोल हुए। अब 14 नंबर के बोल में, अब देखो 14वां बोल लिंग का अर्थात महनाकार का, मैंने पुरुषादि की इंद्रियों का आकार ग्रहण जिसके नहीं है सो अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये नपुंसक, ये सब लौकिक साधन मात्र, ये तो लौकिक व्यवहार है, आत्मा तो आत्मा है। तो कहते ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। तो अब देखो इसमें आत्मा जड़ इंद्रियों के आकार को ग्रहण नहीं करता, ऐसे स्वगेय को तू जान। पहले क्या कहा था कि इंद्रियों से, मन से, इंद्रियों से, बल से, आयु से, श्वासोश्वास से जीवित नहीं रहता। इस बोल में कहा कि इंद्रियों के आकार को आत्मा ग्रहण नहीं करता, कि जो इस शरीर की इंद्रियों का आकार दिखाई देता है जीव ने उसे ग्रहण नहीं किया है। जो पुरुष की इंद्रिय का, स्त्री की इंद्रिय का, नपुंसक की इंद्रिय का की आकृतियां दिखाई देती है वे तो सब पुद्गल की अवस्थाएं हैं। आ गया, सब पुद्गल की रचना है ना, और उन आकृतियों का आत्मा में अभाव है और उस आकार में आत्मा का अभाव है, उनमें आत्मा नहीं, आत्मा में वे नहीं। जिस वस्तु का जिसमें अभाव होता है, देखो बहुत बढ़िया, कि जिस वस्तु का जिसमें अभाव होता है उस अभाव रूप वस्तु का ग्रहण हो ऐसा बन ही नहीं सकता, कि जिसमें जिसका अभाव है तो उस अभाव वाली वस्तु को आत्मा ग्रहण करे। तो जिस वस्तु का, मैंने स्त्री पुरुष नपुंसक आदि शरीर के आकारों का जिसमें माने आत्मा में अभाव है, तो आत्मा उन आकारों को ग्रहण करे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अतः आत्मा इंद्रिय के आकार का ग्रहण नहीं करता है। ये कहकर के क्या बताते हैं, ये कहकर के ये बताते हैं कि जो तुम शरीर में अपनापन मानते हो या शरीर के आकारों को अपना मानते हो, तन उपजत अपनी उपज जान, है ना, अब तन शरीर पुरुष का मिला तो मैं पुरुष, स्त्री का शरीर मिला तो मैं स्त्री, नपुंसक शरीर मिला तो मैं नपुंसक, इस तरह की जो देह के प्रति एकत्व बुद्धि रूप जो मिथ्यात्व है, उस देह के प्रति एकत्व बुद्धि रूप मिथ्यात्व का त्याग करना, है ना, क्योंकि शरीर आत्मा को ग्रहण नहीं, शरीर को आत्मा ग्रहण नहीं करता और शरीर आत्मा को ग्रहण नहीं करता, दोनों का एक दूसरे में अत्यंत अभाव है। अज्ञानी जीव आत्मा को लौकिक साधन मात्र मानता है, क्या मानता है, अज्ञानी माता कहती है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया, पुरुष कहता है कि मेरे कारण पुत्र का जन्म हुआ, पुत्र के शरीर में पुत्र के आत्मा का भी अभाव है, तो पुत्र के शरीर के आकार में माता पिता निमित्त हों ऐसा कैसे बने। यानी कहने का मतलब क्या, ये सारे जो बोल आ रहे हैं अलग 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 तरीके से, उन सबके पीछे एकमात्र उद्देश्य अपनी आत्मा के अतिरिक्त, अपने आत्मा के उपयोग स्वभाव के अतिरिक्त जितने भी परनिमित्तक भाव हैं, संयोग रूप शरीर आदि का संबंध है, संयोग रूप प्राण आदि का संबंध है, उन सब से अपनी दृष्टि हटाकर एकमात्र चैतन्य
स्वभावमय जो अपना स्वतत्व है उसमें अपनी दृष्टि लगाना चाहिए। बस सार तो ये है, अलग अलग तरीके से आचार्य भगवान समझा रहे हैं। तथा आत्मा में इंद्रियों का अभाव है तो निमित्त होने का प्रश्न ही नहीं। तो भी पुत्र का जन्म होने पर पिता विजयी हुआ, पुत्री का जन्म होने पर माता विजयी हुई, अज्ञानी भ्रम से ऐसा मानता है। कितने कितने तरह के भ्रम शरीर को अपना मानने के कारण ये सारे भ्रम पाए जाते हैं। ये सारे भ्रमों का मूल कारण क्या है? सारे भ्रम का मूल कारण एकमात्र शरीर को अपना मानना है, उसके कारण ये सारा भ्रम होता है। आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। इसका मतलब क्या कि इंद्रियों की समय समय की पर्याय को आत्मा ने ग्रहण ही नहीं किया। हां, आदि में माता पिता थे तो वंश चलता रहा, ऐसा मानना कहते ये भ्रम है। पर की पर्याय कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। शरीर के आकार की अवस्था उसके कारण और इंद्रियों की अवस्था उनके कारण होती है, आत्मा उनको ग्रहण नहीं करता। पर गे की आकृति का आत्मा में अभाव है, आत्मा कुटुंब का वंश रखे ऐसा अथवा लौकिक साधन मात्र है ही नहीं। आत्मा लौकिक वंश चलाए शरीर का, ये आत्मा का काम है? ये सब संसार का नाटक है। देखो, आत्मा वीतरागी पर्याय प्रकट करने में लोकोत्तर साधन है, बस ये है आत्मा का वंश। तो आत्मा कैसा है कि लौकिक साधन मात्र नहीं परंतु लोकोत्तर साधन है, है ना? ये है तेरी वंश परंपरा। आत्मा चैतन्य ज्ञाता दृष्टा शुद्ध स्वभावी है, वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की निर्मल पर्याय का माने प्रजा का उत्पादक है। निर्मल पर्याय को ही तो आत्मा की प्रजा कहते हैं। किसको कहते हैं आत्मा की प्रजा? आत्मा की संतान किसे कहते हैं? अभी आए वो जो 202 गाथा बताई ना, उसमें आए 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 आगे अपनी अनादि स्वानुभूति रमणी के पास जा रहा हूं। तो स्वानुभूति को आत्मा की पर्याय कहा, स्वानुभूति को आत्मा का पुत्र कहा, मैंने उसकी प्रजा, उसकी परिणति अलग अलग नाम से। और एक अपने दीपचंद जी कासलीवाल हुए, पंडित दीपचंद कासलीवाल, उन्होंने अध्यात्म पंच संग्रह नाम का एक ग्रंथ बनाया, बहुत गंभीर ग्रंथ है। यानी ये समझ लो कि ये जितने भी अपने विद्वान हुए हैं, पंडित टोडरमल जी, बनारसी दास जी, जयचंद जी साहब वगैरह, ये जितने भी विद्वान हुए हैं, उनमें सबसे सूक्ष्म निरूपण अगर किसी के ग्रंथों में पाया जाता है तो पंडित दीपचंद जी कासलीवाल के ग्रंथों। उनका जो ये जो गुरुदेव श्री ने जो जो बातें बोलते थे ना गुरुदेव, कि पर्याय द्रव्य में नहीं है, द्रव्य पर्याय में नहीं आता, द्रव्य और पर्याय के प्रदेश भेद है, है ना, एक सत दूसरे सत को उत्पन्न नहीं कर सकता, ये जो जो भी अटपटे सिद्धांत गुरुदेव के द्वारा बाहर आए, इन सबके मूल में पंडित दीपचंद जी कासलीवाल के ग्रंथ बहुत बड़े कारण है, है ना। और 47 शक्तियों पर तो जब विवेचन हुआ है तो लगभग हर शक्ति में उन्होंने दीपचंद जी कासलीवाल को याद किया, इतना गंभीर। मैंने एक उन्होंने सवैया टीका, एक सवैया टीका लिखी, मैंने एक 8 लाइन का सवैया लिखा और 8 लाइन के उस सवैया की खुद ही ने टीका लिखी पंडित जी ने, दीपचंद जी साहब ने। और वो इतनी गंभीर टीका है, एक सवैया में पूरे द्रव्य गुण पर्याय। अभी अपन लोग क्या समझते हैं कि द्रव्य है, द्रव्य के अंदर अनंत गुण है, अनंत गुण के अंदर अनंत अनंत गुणों की अनंत पर्याय हैं और एक एक पर्याय के अविभागी प्रतिच्छेद हैं। अपन इससे ज्यादा नहीं जानते, है ना। लेकिन उसमें नट थट कला और न जाने कितनी कितनी चीजें एक पर्याय पर घटित की है। मैंने इतना गंभीर लिखने वाला ग्रस्तों में पंडित दीपचंद कासलीवाल हुए। अनुभव प्रकाश, आत्मावलोकन, चिद विलास, भाव दीपिका, है ना, परमात्म पुराण, उपदेश ज्ञान दर्पण, उपदेश रत्नमाला, ज्ञान दर्पण,
सवैया टीका, ये सब उनके ग्रंथ है बहुत जोरदार। देखो, परंतु संसार की प्रजा का उत्पादक नहीं है। इस प्रकार आत्मा वीतरागी पर्याय को जन्म देता है। जन्म देता आत्मा तो किसको जन्म देता है? तो कहते हैं वीतरागी पर्याय को जन्म देता है, है ना। ऐसी वीतराग पर्याय का साधन त्रिकाली शुद्ध आत्मा हुआ, वो है तेरी प्रजा। कि उस वीतरागी पर्याय का साधन कौन? कि वीतरागी पर्याय प्रकट हुई, तो प्रकट होने पर उस वीतरागी पर्याय का साधन कौन? कि वीतरागी पर्याय का साधन शुद्ध आत्मा हुआ। हुआ शब्द का प्रयोग किया, शुद्ध आत्मा है नहीं का, शुद्ध आत्मा हुआ। हुआ माने क्या मतलब? कि देखो, शुद्ध आत्मा अनादि से है, लेकिन हमने माने पर्याय ने उस शुद्ध आत्मा को साधन नहीं बनाया, उसकी ओर लक्ष्य नहीं किया। साधन बनावे तो निर्मल पर्याय प्रकट हो जाए। अपने अपने को बहुत तेज, अपने को समझ लो कोई बहुत बीमारी है और डॉक्टर के पास अपन गए और डॉक्टर ने कहा कि भाई साहब इस बीमारी के लिए तो आपको यह दवा लेनी चाहिए, और हम सारे बिजोलिया के मेडिकल स्टोर में घूम गए, ठीक, और अपने को वो दवा कहीं नहीं मिली, और अपन अपने घर में अलमारी टटोल रहे थे तो अपने को वो दवा अपनी अलमारी में पड़ी हुई मिली। आया समझ में? कुछ आया उदाहरण समझ में? कि अपने को वो दवा कहां मिली? अपनी अलमारी में मिली, मेडिक कहीं नहीं मिली बाहर, अपनी अलमारी में थी। कि चलो मेरा काम हो गया, दवा तो पहले भी थी लेकिन ये दवा मेरे इस रोग में काम आएगी, ये मान करके उस दवा को साधन नहीं बनाया और रोग से दुखी होते रहे। आत्मा तो शुद्ध त्रिकाली अनादि से है, लेकिन अनादि से होने पर भी शुद्धता का परिणमन क्यों नहीं हुआ? कि तूने अनादि से आत्मा शुद्ध ही है, उस शुद्ध तत्व का स्वीकार करके साधन का बनाया, मतलब उसको उसकी शुद्धता को स्वीकार करे पर्याय, तब वो पर्याय शुद्ध प्रकट हुई। और जिस समय वो शुद्ध पर्याय हुई, उस समय भगवान आत्मा उस शुद्धता का साधन हुआ। आत्मा पहले से था, लेकिन पहले से होने पर आत्मा शुद्ध था, लेकिन पर्याय में अशुद्धता थी। क्यों? क्योंकि पर्याय में आत्मा को शुद्ध अशुद्ध आत्मा को साधन नहीं बनाया था। वो यहां पे कह रहे हैं कि त्रिकाली शुद्ध आत्मा हुआ, अतः उसे लोकोत्तर साधन कहते। लोकोत्तर साधन क्यों कहते? कि इससे इसका लौकिक से कोई लेना देना ही नहीं है, बाहर से कोई लेना देना ही नहीं है, अपना द्रव्य और अपनी पर्याय लोकोत्तर साधन। और इस लोकोत्तर साधन का फल क्या आएगा? कि लोकोत्तर सिद्ध दशा इसका फल आएगा, लोक में भटकना मिटेगा, ये इसका फल आएगा, है ना। अब ये क्या दो तीन बोल तो बीच बीच के बहुत सरल है, फिर वापस 18, 19, 20 थोड़े गंभीर आएंगे और भी। इस 14वें बोल में अलिंग ग्रहण का अर्थ इस प्रकार है, आ माने नहीं, लिंग माने पुरुषादि की इंद्रिय का आकार, ग्रहण माने पकड़ना। आत्मा पुरुषादि की इंद्रिय के आकार को ग्रहण नहीं करता है, अतः आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है। आचार्य भगवान कहते हैं कि तू जड़ इंद्रियों का आश्रय छोड़ और चैतन्य ज्ञाता दृष्टा शुद्ध चिदानंद स्वरूप है, उसकी श्रद्धा ज्ञान करके उसमें स्थिरता कर, तो तेरे में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर रूप पर्याय प्रकट होगी। अतः आत्मा लोकोत्तर साधन है। और अपन बोलते हैं ना, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। आ गया? बोलते ही नहीं बोलते, लेकिन लगता है कभी ऐसा है। संसार बढ़े, परिवार बढ़े, रिश्तेदारी बढ़े, है ना, तो क्या होता है? तो आप वो बोलते हैं मंदिर में, तो बोलते हैं, यही बोलते हैं, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि संसार का बढ़ना अरे नरदेह की यह हार है। क्यों नरदेह की हार? क्यों कहा? कि तू इस मनुष्य शरीर में
संसार को बढ़ाने के लिए आया था या संसार का अभाव करने के लिए आया था? ये भव भव बढ़ाने के लिए है या भव का अभाव करने के लिए भव है? नक्की तो कर लो। देखो तो दुनिया में दुनिया के काम सब होते हैं, दृष्टि कम से कम बदलनी चाहिए कि ये वास्तव में ये भव भव का अभाव करने के लिए मिला है, भव बढ़ाने के लिए ये भव नहीं मिला। ख्याल में आ गया कि नहीं आ गया? है ना। हाँ, और अगले भव की तैयारी हो उसके पहले यदि ये काम नहीं हुआ भव बढ़ाने भव मिटाने का, और हम ये सोचते रहे कि कोई बात नहीं यहां से मर करके देवगति में चले जाएंगे, देवगति से अपन लोग कहां चले जाएंगे? सिमंदर भगवान के पास, है ना, और वहां जाकर के अपन समय दर्शन प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो मैं तो इसके लिए ऐसा बोलता हूं, कई बार कई जगह ऐसा उदाहरण देता हूं। तो मैंने कहा भैया एक बार बताओ तुम्हारे घर से मंदिर कितना दूर है? तो बहुत से लोग बोलते हैं अपने यहां तो पास है, ज्यादा दूर नहीं, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 किलोमीटर तक वाले होंगे अपन लोग, है ना, इससे ज्यादा तो किसी का नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। तो कोई कहता जी 5 किलोमीटर हमारे को बाहर में, तो कोई कहता 5 किलोमीटर है, कोई कहता 3 किलोमीटर है। मैं कहा मंदिर कब जाते हो? तो सैटरडे और संडे। ठीक, मैं कितनी संपत्ति है तुम्हारी टाटा बिरला जितनी? नहीं। तो मैंने कहा स्वर्ग के देव जितनी तो होने का सवाल ही नहीं, लौकिक में कितनी है? मैंने कहा जब इतनी सी तुम्हारी संपत्ति उसके कारण और इतना दूर मंदिर नहीं तो भी तुम्हें जिन मंदिर जाने का भाव न आवे, स्वाध्याय जिनवाणी सत्संग का परिणाम न आवे, और तुम ये झूठी दिलासा अपने आप को दो कि मैं स्वर्ग जाऊंगा और वहां से मैं सिमंदर भगवान के समो शरण में जाऊंगा, तो पहली बात जब यहां से 3-4 किलोमीटर के मंदिर 3-4 किलोमीटर दूर है तो तू सैटरडे संडे आता है, ठीक है, तो स्वर्ग से तो सिमंदर भगवान का समोसरण बहुत दूर है ना, और यहां पर तो तेरे पास कोई संपत्ति नहीं है कुछ, स्वर्ग के देव की तुलना में क्या संपत्ति है बोलो? कि जब तेरी ये दशा तो स्वर्ग में जाकर के उस वैभव के बीच में न फंस करके तू सिमंदर भगवान के समोसरण में चला जाएगा, कहते भाई अपनी आत्मा को धोखा मत दे, दूसरों को तो धोखा देगा ही नहीं, अपनी आत्मा को धोखा मत दे। हाल में आ गया। और उन सिमंदर भगवान में इन सिमंदर भगवान में कोई अंतर नहीं है, क्यों? क्योंकि वहां भी आपको उनका शरीर ही दिखने वाला है, उनकी आत्मा तो वहां भी नहीं दिखेगी, और यहां भी ये जो प्रतिमा की स्थापना है ना, कि जिन प्रतिमा जिन सारखी बाकी आगम माई, कि जिनेन्द्र भगवान की प्रतिमा वो जिनेन्द्र भगवान के समान ही है। हाँ? अच्छा, दूसरी बात, मैंने कहा स्वर्ग जाओगे ही जाओगे, तो मैंने कहा ऐसा कोई कॉन्टेक्ट हो गया है क्या आपका कि यहां से मर करके स्वर्ग ही जाएंगे? कोई गारंटी है कि स्वर्ग ही जाएंगे? हाँ? कि ये भी तो मैंने कुछ भी हो सकता है ना, गतियां तो बहुत है, योनियां बहुत है, तो इसलिए समय रहते अपना काम कर लेना चाहिए। देखो इस प्रकार आत्मा लौकिक साधन मात्र नहीं है परंतु लोकोत्तर साधन है, ऐसा स्वगेय का ज्ञान श्रद्धान करना वह धर्म का कारण है। आ गया। अब इसमें जो अगला बोल अपना चलेगा 15 नंबर का बोल पढ़ लेता हूं, फिर कल चर्चा कर लेंगे, क्योंकि ये दो बोल अभी और महत्वपूर्ण आएंगे जिसमें मुनि लिंग श्रावक लिंग इनसे इनका आत्मा को ग्रहण नहीं, वो बातें भी आएगी, पाखंडियों के अन्य लिंग उनका ग्रहण नहीं ये बात भी आएगी। 15 नंबर के बोल में कह रहे हैं कि लिंग के द्वारा अर्थात अमेहनाकार के द्वारा जिसका ग्रहण अर्थात लोक में व्यापकत्व नहीं है सो अलिंग ग्रहण है, इस प्रकार आत्मा पाखंडियों के प्रसिद्ध साधन रूप आकार वाला, पाखंडी जिसको उनके यहां जैसा माना जाता है ऐसे आकार वाला अर्थात लोक व्याप्ति वाला नहीं है, ऐसे अर्थ की प्राप्ति होती है। अब ये क्या है
इसकी चर्चा अपन कल की सौदे में अपन करेंगे।